हाँ जी, क्या हाल चाल? मैं ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, सवाल उठा सर, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए किसी शेयर को जब हम देख रहे हो, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को देखना चाहिए? देखो, कोई एक चीज तो नहीं होती, बहुत सारी चीजों का ज्ञान रखना पड़ता है। एक शेयर को आपको ना फॉलो करना पड़ता है पूरी तरह से, तब जाके ही पता लगता है कि हाँ जी, वेदर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं बेसिकली कौन कौन सी चीजों को देखता हूं, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर। कोई एक फैक्टर्स भी नहीं बताए जा सकते कि स्कोर कार्ड दे दूं कि ये 10 चीजें देखो बस, और जो ये बता रहा है वो बेवकूफ वाली बातें बता रहा है। तो इसलिए किसी भी शेयर को देखने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से आज मैं आपको केवल मतलब जैसे एक कंपनी का एनालिसिस हम उठा रहे हैं, तो आज आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। ऐसे ही अगली कंपनी का एनालिसिस उठाऊंगा तो शायद दूसरे लेवल की चीजें समझ आएंगी। इस तरीके से प्रोसेस विल गो ऑन, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होता रहेगा कि क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हमारी जो पहली कंपनी होगी उसका नाम होगा हिंदुस्तान कॉपर। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है भैया, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप उठा के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो हिंदुस्तान कॉपर के। नहीं, मैं आपको केवल कंपनी को पढ़ना सिखा रहा हूं कि कंपनी को पढ़ा कैसे जाता है, किसी कंपनी के बारे में किस तरीके से पढ़ा जाता है, जब आप उस कंपनी में सोच रहे हो कि हाँ जी, उसके शेयर्स को वॉच करना चाहिए कि नहीं। दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, प्लीज मेक इट क्लियर, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है, और ना ही आपकी उम्र में इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए अगर आप चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हैं। तो अगर कर चुके हैं तो फिर अपनी कॉल अपने एक्सपर्ट से सलाह लेके करिए, मेरी सलाह पे नहीं, अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिएगा। प्लीज, ये डिस्क्लेमर है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? चले, अब समझिएगा जी, मैंने जिस कंपनी की बात की उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। मैं सबसे पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना चाहता हूँ भाई साहब कि ये कंपनी करती क्या है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो कंपनी करती क्या है। जब तक ये नहीं जानूंगा तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो हिंदुस्तान कॉपर के बारे में अगर मैं कहूँ कि इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो यानी सरकारी कंपनी है। ओके, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9th of November 67। ओके, यानी कि काफी पुरानी कंपनी है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एज अ डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द नेशंस ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी, एज इट मैन्युफैक्चर कॉपर राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ माइनिंग टू द बेनिफिकेशन, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, कास्टिंग ऑफ द रिफाइनिंग कॉपर मेटल इन टू द डाउन स्ट्रीम सेलेबल प्रोडक्ट। यानी कि माइनिंग से लेकर बेचने तक की सारी स्टेजेस यही करती है, एंड द ओनली वर्टिकल इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब जो ये काम करने जा रही है ये कर रही है, उसके अंदर ये तो पक्का है कि ये मोनोपोली रखती है, मोनोपोली रखती है, पूरी तरह से मोनोपोली है कंपनी का। अच्छा, और तो यानी कि मेरी ये पहली चीज तो मुझे पता लग गई कि कंपनी की अपने बिजनेस के अंदर मोनोपोली है। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। कंपनी गवर्नमेंट की है, सरकारी कंपनी है, तो उसमें भी मुझे अच्छी बात ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे तो कई सरकारी कंपनी है सर, तो वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ ठीक है, और भी आते हैं फैक्टर जिनको देखना शुरू करते हैं। ये इसकी एनुअल रिपोर्ट है 21-22 की। इसने कॉपर का सिनेरियो बताया, पहले इंडस्ट्री एनालिसिस देखेगा, पहले इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करिएगा। ओके, इंडस्ट्री के बारे में कहता है, कंपेयर्ड विद द ग्लोबल मार्केट इंडिया हैज अ लिमिटेड कॉपर और रिजर्व्स कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 0.31%। तो मतलब लिमिटेड हमारे पास आज के डेट में रिजर्व्स हैं, एंड माइनिंग प्रोडक्शन 0.2% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। यानी कि हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। मुझे याद आ रहा है कि हम टॉयज इंडस्ट्रीज में पहले 0.34% पे थे। चाइना यूज्ड टू बी एट 70%। आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर भी चाइना ही हाईएस्ट है, जबकि आज के डेट में नियर अबाउट 8 to 10% हम उस पर पहुंच गए हैं टॉय मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सेम अगर इसके अंदर मैं देखूं तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, 0.2% ऑफ द वर्ल्ड है हम बस। यानी कि सब कुछ ग्रोथ, इससे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके,
HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हैज एक्सेस टू अराउंड 2/5 ऑफ द कॉपर ओर रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज इन इंडिया। मतलब जितने भी इंडिया में कॉपर के रिसोर्सेज हैं 40% पे इस कंपनी का अधिकार है, 40% पे। ओ माय गॉड। अच्छा, टोटल कॉपर रिसोर्सेज इन इंडिया इतने हैं, ठीक है जी। देर आर थ्री मेजर प्लेयर्स, तीन मेजर प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के। सब कुछ इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल रहा है मुझे और कहीं से नहीं ढूंढना पड़ रहा। अच्छा जी, कॉपर इंडस्ट्री इन इंडिया, एक हिंदुस्तान कॉपर है पब्लिक सेक्टर में, फिर हिंदुस्तान हिंडालको इंडस्ट्रीज है, बिरला ग्रुप, फिर स्टरलाइट इंडस्ट्रीज है, ये प्राइवेट सेक्टर की ये भी है। इट इज रिपोर्टेड दैट अदानी ग्रुप इज इंस्टॉलिंग द कस्टम कॉपर स्मेल्टर एंड रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स, नेम इज कच्छ कॉपर लिमिटेड। अदानी ग्रुप भी इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रहा है, यानी कि अदानी ग्रुप भी हाथ पैर मार रहा है। जरा स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं इसका, कंपनी का। ओनली कंपनी माइनिंग कॉपर ओर इन इंडिया, यानी कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। फुली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, होल्डिंग माइंस लीज ऑफ मोर देन 80%, ठीक है, ऑफ द कंट्रीज कॉपर रिजर्व्स। एस्टेब्लिश ब्रांड वैल्यू, ठीक है जी। स्मॉलर साइज, एज्ड इक्विपमेंट, लो प्रोफिशिएंसी, लो प्रोसेस एफिशिएंसी, हाई कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक, एज्ड वर्कफोर्स, ठीक है जी। मुझे जो मेन चीज नजर आई वो ये है, ओनली कंपनी माइनिंग कॉपर ओर। मुझे मोनोपोली चाहिए थी, मोनोपोली मुझे यहां पर नजर आई, बहुत अच्छी अच्छी बात है। अब जरा फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं, एक बार फाइनेंशियल पे भी नजर दौड़ाएं, क्योंकि फाइनेंशियल्स की तरफ भी देखना तो जरूरी है, अवॉइड नहीं किया जा सकता उन्हें। लो जी, ये मैं आ रहा हूं फाइनेंशियल की तरफ। ये कंपनी के फाइनेंशियल हैं 21-22, 20-21, 21-22 की तरफ आता हूं। 21-22 की तरफ अगर मैं आया तो मुझे पता लगा कि 1812 करोड़ का टर्नओवर हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर 1760 करोड़, तो यानी कि 10% से कम का ग्रोथ हुआ है, ओके, टर्नओवर के अंदर। बट नीचे आते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट आप देख रहे होंगे, डेप्रिसिएशन जो 294 थी 149, ठीक है, रह गई फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट लगभग 1/3 पे आ गई है, इंटरेस्ट कॉस्ट 1/3 पे आ गई है, अच्छी बात है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं आ जाऊं आफ्टर टैक्स पे तो 109 करोड़ था, जो कि बढ़ के 373 करोड़ हो चुका है। और कंपनी ने 21-22 से डिविडेंड देना भी शुरू किया है, 33 करोड़ का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, जो कि 20-21 में नहीं था। ओके ओके, चलो जी और भी आगे बढ़ते हैं, और भी आगे बढ़ते हैं। अभी भी ये मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लाया हूं आपको, जरा इस क्वार्टर की डिटेल देख लेते हैं। इस क्वार्टर में क्या हुआ है, 348.39 हुआ है, 348.39, बट मार्च में था 544। सर ये तो डिक्लाइन हो गया, बट इससे नहीं देखा जाता, हमेशा क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है। तो जून 22 को जून 21 से कंपेयर करके देखो, जून 22 को जून 21 से कंपेयर करोगे तो कंपनी फिर ग्रोइंग फेज पे ही है, कंपनी फिर ग्रोइंग फेज पे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉई कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा बड़ी हो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी और मेजर बड़ा हो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि कंपनी ग्रोइंग फेज के ऊपर ही है। प्रॉफिट एंड लॉस, बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट कॉस्ट भी और कम हुई है आप देख सकते हो, एंड प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स इंप्रूव ही हो रहा है, बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बस इन्हीं फैक्टर्स को देख करके मैं इन्वेस्ट कर दूं? नहीं, और भी कुछ ऐसे भी कंपनियां तो कई मिल जाएंगी, फिर हिंदुस्तान कॉपर ही क्यों? देखो एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, लो जी ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज। नालको और हिंद कॉपर स्ट्रेटेजिक सेल प्लान्स में सून लैंड ऑन द कैबिनेट टेबल, 7 दिसंबर 2021 की न्यूज है। अभी तक वेट है, मगर गवर्नमेंट का प्लान है। द आंसर इज यस, क्योंकि गवर्नमेंट का डिस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट एक्सपेक्टेड टू सून, क्योंकि गवर्नमेंट का इस साल का जो डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो नियर अबाउट 60,000 करोड़ का है, 22-23 का 60,000 करोड़ गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कलेक्ट करने हैं। और डिस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने कहा है ये कि हम इन दो कंपनीज को टेबल पे रखने वाले हैं, तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है इस कंपनी के लिए। यस, अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो मैं तो कहूंगा बहुत बढ़िया हो गया। अभी ये न्यूज में पड़ी रहा था कि कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट की बातें चल रही हैं,
कि अचानक मेरे को एक और न्यूज पे ध्यान गया, सारे ऑथेंटिक सोर्स है, कोई फालतू की नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये, नीति आयोग की, ध्यान रखना ओके क्योंकि गवर्नमेंट के हर साल के डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट हैं इस सरकार के, इस साल का टारगेट 60,000 करोड़ है। तो अब मेरा ध्यान गया एक और न्यूज की तरफ, 27 जून 2022। ये न्यूज जब मैंने देखी कि अदानी टू फॉरेन इनटू कॉपर टाइज अप 6,000 करोड़ लोन फॉर प्लांट, गवर्नमेंट बेचना चाह रही है, अदानी कॉपर इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा कुछ इंडिकेशन है कि सरकार बेचना चाह रही है और अदानी ग्रुप जो कि आज की डेट में नंबर वन हर फील्ड में कदम ही कदम रखी जा रहा है, मेरे लिए तो ये बहुत गजब की न्यूज बन रही है कि भैया अदानी जी पूरी तैयारी करके बैठे हैं, पूरी तैयारी करके बैठे हैं अदानी ग्रुप, तो किस में, कॉपर में आने की, और वहां गवर्नमेंट बेचना चाह रही है, कंपनी मोनोपोली रखती है, कंपनी ग्रोइंग फेज में है, मैं कैसे छोड़ दूं कंपनी को। एक और बात करता हूं, जरा कंपनी का आगे का प्लान क्या है, जरा मैं ये भी देखना शुरू करता हूं कंपनी का प्लान आगे के क्या है, ये मुझे मैनेजमेंट की रिपोर्ट से पता लग जाएगा। मैनेजमेंट की रिपोर्ट में अगर आप देखूंगा तो गोइंग फॉरवर्ड इनका प्लान क्या है, ये काफी कुछ यहाँ पे बता देते हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट हो गई, मैनेजमेंट डिस्कशन, देखिएगा मैनेजमेंट डिस्कशन में अभी कंपनी का इसमें आएगा, ये ग्लोबल बिजनेस है, इंडियन कॉपर सिनेरियो हमने कर लिया ना, हाँ कर लिया, स्पॉट एनालिसिस भी हो गया, द पर कैपिटल कॉपर कंजम्पशन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 0.5 kg टू 1 kg इन द कमिंग ईयर, द एवरेज पर कैपिटल कॉपर कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड इज 3.2 kg। तो क्या मैं कह सकता हूं इंडिया में कॉपर का कंजम्पशन जो आज की डेट में है डेट इज हार्डली 0.5 kg, कमिंग ईयर में वी कैन एक्सपेक्ट ये 1 kg होगा और वर्ल्ड का एवरेज जो है वो 3.5 kg है। तो गोइंग फॉरवर्ड इंडस्ट्री बुरी नहीं है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, गोइंग फॉरवर्ड देखा जा सकता है इस इंडस्ट्री को। मेरे लिए ये सारे फैक्टर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है सच, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हो सकती हैं जो टेक्निकल चार्ट को देखते हुए अप डाउन कह सकती हूं, बट मुझे लगता है कि अगर मैं इस शेयर को रखता हूं तो मेरे लिए अच्छा शेयर है, बुरा शेयर साबित नहीं होगा। मुझे तो ये अच्छा शेयर लगता है क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं, जो सारे फैक्टर्स मुझे पॉजिटिव नजर आते हैं और एज सच मुझे कोई नेगेटिव इसमें नजर नहीं आया अभी तक। कंपनी ग्रोइंग फेज, इंडस्ट्री ग्रोइंग फेज, इंडिया का अगर मैं कहूं कि इंडिया बहुत पीछे है अब इसमें, तो पूरा स्कोप बनता है इंडिया का। अगर पर कैपिटा कॉपर कंजम्पशन देखूं तो हम तो कहीं ठहरते ही नहीं, वर्ल्ड बहुत हाई है, तो यानी कि बहुत ह्यूज संभावनाएं हैं। फिर स्टेक सेल की सेल बात हो रही है, आज की डेट में कंपनी का मार्केट साइज 11,000 करोड़ का है, स्टेक सेल जब भी होगी तो कम से कम यू कैन एक्सपेक्ट 25-30 हजार करोड़ पे पहुंचेगा जब स्टेक सेल होगी, क्योंकि वैल्यूएशन जो है ना एग्जिस्टिंग जो होती है उसका लगभग 2-3 गुना के करीब एक्सपेक्ट की जाती है वैल्यूएशन जब नया प्लेयर इस कंपनी को एक्वायर करेगा, तो फिर उसका मतलब 2-3 गुना का प्राइस भी यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ जी शेयर में ग्रोथ होनी चाहिए अगर सारे फंडामेंटल जैसे हम सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं अदानी ना भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी आराम से अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है निफ्टी से ऊपर। चाइना नंबर वन हुआ करता था, बट चाइना का अगर आप देखोगे लगातार मेटल वगैरह में, कॉपर वगैरह में लगातार नीचे गिर रहा है, उनका प्रोडक्शन नीचे गिर रहा है लगातार, तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड सारे सिनेरियो देखूं थम्स अप बनता है कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, मगर अगर मैंने कहा अगेन जरूरी नहीं कि हर कंपनी में यही, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको 100 पॉइंट बताऊं और 100 पॉइंट लो जी हर कंपनी में क्लिक करने हो, कई कंपनियों में अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं,
जैसे अगले हफ्ते सैटरडे को हम एक और कंपनी का एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम होगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्या नाम होगा? क्रॉम्पटन ग्रीव्स। देखिएगा उसका एनालिसिस मेरे साथ, देखिएगा कि उसमें कौन कौन सी चीजें हम एनालाइज करते हैं। आज की डेट में 400 के करीब उसका शेयर है, एंड देखते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में किस तरीके का एनालिसिस होता है। मैं उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर कौन कौन से चीजें कंसीडर की जानी चाहिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। लेट अस सी, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं सेम सैटरडे को। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।